हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश दुनिया के इस यूट्यूब चैनल पर। सो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर डीप वाटर का पार्ट टू। सो इससे पहले कि अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करें, एक बार साथ में कहते हैं, इंग्लिश दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है, बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो चैप्टर है इसमें हमने देखा था कि वो जो विलियम डगलस हैं वो पानी के अंदर डूब रहे थे, और इन्होंने ये अपने खुद के रियल लाइफ का एक्सपीरियंस लिखा है। ये एक ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। तो देखते हैं उनके साथ आगे क्या हुआ। वो पानी में डूब रहे थे और अपने आप को बाहर निकालने का काफ़ी प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो सक्सीड नहीं हो रहा था। तो चलिए आगे देखते हैं कि ये क्या फील करते हैं। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, स्वेलोड एंड चोक्ड। ये पानी की सरफेस पे थे और बिल्कुल पानी इनके पेट के अंदर जा चुका था और बिल्कुल चोक्ड कर रहे थे। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, कोशिश कर रहे थे कि इनके पैर बाहर आ जाएं। पुट दे हंग एज डेड वेट, लेकिन इनके जो पैर हैं वो बिल्कुल ऐसे हो गए थे जैसे उनमें जान नहीं बची, वो बिल्कुल डेड हो चुके थे, पैरालाइज्ड हो चुके थे, लाइफलेस एंड रिजिड, बिल्कुल फिक्स हो चुके थे, वो अब वहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, कोई एक ताकत इनको नीचे की ओर खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन सिर्फ पानी ने ही मेरी आवाज़ सुनी। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, फिर इनकी एक लंबी जर्नी स्टार्ट हो जाती है, फिर से ये पूल में नीचे की ओर जाने लगते हैं। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन नाइटमेयर। तो जब ये नीचे की ओर जा रहे थे तो ये अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि एक व्यक्ति जब बुरा सपना देखता है। मान लीजिए आप रात में कोई ड्रीम देख रहे हैं, वो बिल्कुल बैड ड्रीम है, तो आप उसमें क्या करते हैं, जो भी आपको डरा रहा होता है, परेशान कर रहा होता है, तो आप नींद में बहुत ज़्यादा उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, उसको भगाने की कोशिश करते हैं, चीखते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मानो आपकी आवाज़ बाहर नहीं निकल रही, आपका दम घुटने लगता है, सफोकेशन फील होने लगती और आप एकदम से उठ के बैठ जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे रात में सोते समय अपने सपने से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करते हैं, वैसे ये ट्राई कर रहे हैं, अपनी पूरी ताकत बुला रहे हैं। नाइटमेयर फाइट एंड इरेस्टिबल फोर्स, आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, लेकिन इनकी सारी सांस चली गई है। माई लंग्स एक्ड, इनके जो लंग्स हैं वो दर्द होने लगे हैं। माई हेड थ्रोब्ड, इनका जो हेड है उसमें थ्रोब्ड यानी धपधप की आवाज़ आ रही है। आई वॉज गेटिंग डिजी, डिजी मीन्स होता है बेहोश होना, अनकॉन्शियस होना, अब इनको बेहोशी आ रही है। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, लेकिन अभी भी इनके दिमाग में वो स्ट्रेटजी है। क्या स्ट्रेटजी, कि वो जैसे ही बॉटम की ओर जाएंगे अपने पैर को सरफेस से टकराएंगे और ज़ोर से जंप करेंगे और बिल्कुल एक कॉर्क की तरह बाहर आ जाएंगे, तो वो स्ट्रेटजी अभी भी इनके दिमाग में चल रही है। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉक टू द सरफेस। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स एंड थ्रस्ट विद माई लेग्स, और सोच रहे हैं कि बाद में मैं अपने हाथों से पैरों से स्ट्राइक करूंगा और बाहर आ जाऊंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड द बी सेफ, और सुरक्षित हो जाऊंगा इस तरह से बाहर आके। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, लेकिन ये नीचे की ओर जाते चले जा रहे हैं। ओपन माई आइस, नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, अपनी जब आंखें खोलते हैं तो कुछ भी नहीं दिखता है, सिर्फ येलो कलर का वाटर दिखता है। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रो, ऐसा अंधेरा पानी जिससे कोई कुछ बाहर नहीं देख सकता हो। एंड देन शियर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और फिर एक शियर स्टार्क टेरर मीन्स होता है बट बहुत ही सीवर टेरर, यानी कि बहुत ही गहरा डर इनको अपने पूरी ट्रैप कर लेता है। सीज्ड मतलब ट्रैप कर लेना, अपने जकड़ लेता है। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसा डर जिसके अंदर कोई भी समझ नहीं है। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं रह जाता है। टेरर दैट नोज कैन दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड वू हैज़ नॉट एक्सपीरियंसड इट, और ऐसा डर जिसे कोई भी व्यक्ति नहीं समझ सकता है जब तक उसने एक्सपीरियंस ना किया हो। आई वॉज श्रिंकिंग अंडर वाटर, मैं पानी में डूब रहा था। आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर, और मेरी बॉडी पैरालाइज यानी लाइफलेस हो चुकी थी। स्टिफ रिजिड विथ फियर, बहुत ही ज़्यादा डर था, बॉडी बिल्कुल रिजिड हो चुकी थी। इवन द स्क्रीम इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, और जो मेरे गले में चीख थी वो भी जम चुकी थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, सिर्फ इनके हार्ट में जो हार्ट बीट चल रही थी और जो हेड में पाउंडिंग हो रही थी, धप धप की आवाज़ हो रही थी, बस उससे पता चल रहा था कि ये अभी भी जीवित
हैं। एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर कैन कैम अ टच ऑफ रीजन, आई मस्ट रिमेंबर टू जम्प व्हेन आई हिट द बॉटम। फिर इनके दिमाग में वही एक बात थर्ड टाइम आती है कि जैसे ही मैं पानी में पहुंचूंगा मैं जंप करूंगा। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और फिर आखिरकार इनको अपने पैरों के नीचे थोड़ा सा टाइल्स फील होता है। माय टोज रीच्ड आउट एज इट एज इफ टू ग्रैब देम, इनके जो टोज हैं यानी कि जो अंगूठे हैं वो पानी तक पहुंचते हैं। आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड, जितनी भी इनके अंदर ताकत बची थी उस ताकत को इकट्ठा करके ये जंप करने की कोशिश करते हैं। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन वैसा करने से इनको कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अभी भी मेरी चारों ओर था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, मैं ढूंढ रहा था कि कोई रस्सी मिल जाए जिसके सहारे से मैं बाहर आ जाऊँ, लैडर्स मिल जाए या सीढ़ियाँ मिल जाएँ, वाटर विंग्स कुछ भी मिल जाए जिसकी मदद से बाहर आ जाएँ। नथिंग बट वाटर, लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा था, सिर्फ जैसे ही वो कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे इनको पानी ही मिल रहा था। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, एक येलो इस वाटर ने मुझे बहुत ही उससे जकड़ लिया था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और जो ये डर था वो बहुत ही डीप जा कर के उसने मुझे होल्ड कर लिया था। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली का करंट दौड़ता है, बिल्कुल वैसे ही इनकी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी की तरह करंट दौड़ रहा था। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्रिजिट, और ये कांप रहे थे। माय आर्म्स वुड नॉट मूव, इनके जो आर्म्स हैं हाथ हैं वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे थे। माय लेग्स वुड नॉट मूव, पैर भी मूव नहीं कर रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, और ये मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे। टू कॉल फॉर मदर, अपनी माँ को बुला रहे थे। नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था, इनकी आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ, इनको सब कुछ एक लाइट सी आई। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, इन्हें ऐसा लगा कि वो उस पानी से बाहर निकल रहे हैं। एट लीस्ट माई आइज वर, कम से कम इनकी आँखें बाहर आ गई थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और नोज भी कुछ कुछ बाहर आ चुकी थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, तीसरी बार ये ट्राई करते हैं। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, इन्होंने सांस लेने की कोशिश की ताकि एयर अंदर जाए, लेकिन एयर की जगह इनके अंदर पानी जाता है। द येलोविश लाइट वॉज गोइंग आउट, फिर उसके बाद फिर से वो जो येलो कलर की लाइट आई थी वो वापस चली जाती है। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, फिर सारे एफर्ट्स इनके बेकार हो जाते हैं। आई रिलैक्स्ड, मैं एकदम रिलैक्स्ड हो जाता हूँ। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्स, और इनके पैर भी अब बिल्कुल लाइफलेस हो चुके थे, लिम्स हो चुके थे। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, एकदम से मेरे पूरे दिमाग में अंधेरा छा जाता है, ब्लैकनेस हो जाता है। इट वाइप्ड आउट फियर, उस ब्लैकनेस से इनका जो डर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इनकी अब बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये पहले तो सब इनके अंदर बहुत डर था लेकिन एकदम से इनका सारा डर चला जाता है। वाइप्ड आउट टेरर, बिल्कुल पूरा डर ख़त्म हो जाता है। देर वॉज नो मोर पैनिक, अभी बिल्कुल भी परेशान नहीं है। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, बिल्कुल शांति है। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब किसी भी चीज़ से इनको डरने की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है। दिस इज़ नाइस टू बी ड्रोजी टू गो टू स्लीप, इनको लग रहा है कि बिल्कुल बहुत ही गहरी नींद आ रही है और ये सो जाएं। इट मीन्स ये अब अनकॉन्शियस हो रहे हैं और अपनी सारी सुध-बुध खो रहे हैं, इसलिए अब इनको कोई भी डर फील नहीं हो रहा है, अब इनकी लाइफ एंड पे है। नो नीड टू जंप, बिल्कुल भी जंप करने की अब नीड नहीं है। टायर्ड टू जंप, इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, चुपचाप ऐसे ही पड़े रहना, पानी में डूब जाना, वही इनको अच्छा लग रहा है। टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस, ऐसा लग रहा है मानो ये हवा में उड़ना चाह रहे हैं। टेंडर आर्म्स राउंड मी, मदर के जो आर्म्स हैं वो मुझे अपनी बाहों में लिए हैं। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, जैसे कि माँ हमें रात में प्यार से सुलाती हैं, बिल्कुल वैसे ही इनको लग रहा है कि मदर इनको अपनी गोद में लिए हुए हैं और ये सोना चाह रहे हैं। आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, और मेरे जो जीवन का पर्दा है वो बस गिरने ही वाला है। द नेक्स्ट आई रिमेंबर वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग,
फिर उसके बाद क्या होता है इनके साथ, ये सब भूल जाते हैं क्योंकि ये अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं और इनको कुछ भी याद नहीं रहता है। वो पानी से बाहर कब निकलते हैं, कौन उन्हें पानी से बाहर निकालता है, उन्हें कुछ भी याद नहीं है। आखिरी बात जो याद है कि वो बेहोश हो रहे थे, उसके बाद जो उनको बात याद है तो वो पूल के बाहर पड़े हुए थे और इनके पूरे स्टमक में पानी भरा था और पानी की वोमिटिंग हो रही थी। द चैप दैट ड्रिव मी इन वॉज सेइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग समवन सैड द किड नियरली डाइड। इनको बस इतना सुनाई पड़ रहा था कि कोई कह रहा है कि बच्चा बिल्कुल मरने ही वाला था। बी ऑल राइट नाउ, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, और इसको जल्दी से लॉकर रूम में लेके जाओ। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, कुछ घंटों बाद मैं घर जाता हूँ। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं बहुत कमज़ोर हो चुका था, कांप रहा था। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माय बेड, जब मैं बेड पे लेटा हुआ था तो एकदम से मैं चिल्ला उठता था, एकदम से मैं रोने लगता था और बिल्कुल कांपने लगता था। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, उस रात मैंने कुछ भी नहीं खाया। फॉर डेज अ हाउंटिंग फियर वॉज इन माई हर्ट, कई दिनों तक की वो डर इनके हर्ट में बैठा रहा। द स्लाइटेस्ट एग्जर्शन अपसेट मी, और एकदम से ये अपसेट हो जाते थे, मेकिंग मी वॉबली इन नीज एंड सिक टू माई स्टमक। इनकी बॉडी बहुत ही वीक हो चुकी है, अब इनको बिल्कुल भी अगर कोई भी कुछ काम करने को कह रहा है, बिल्कुल भी एफर्ट करने को कह रहा है या कुछ भी एफर्ट कर रहे हैं तो उसे डिस्टर्ब हो रहे हैं और बहुत ही कमज़ोर हो चुके हैं। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, आई फियर वाटर, इनको पानी से अब बहुत डर लग रहा है, अब दोबारा से पूल में वापस नहीं जाना चाहते हैं। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, जब भी इनको कहीं पानी वानी का वैसा कुछ ऑप्शन मिलता है तो ये उसको अवॉइड करने लगे हैं। आगे देखते हैं। अ फ्यू ईयर लेटर व्हेन आई कैम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैसिकेट्स, कुछ सालों बाद इनको कैसिकेट्स के वाटर्स के बारे में, यानी कि वहाँ पे एक झरना है जहाँ पे ये रहते हैं पास ही में, उसके बारे में पता चलता है। आई वॉन्टेड टू गो इन टू देम, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। एंड वेन एवर आई डिड, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, द टेरर दैट सीज्ड मी इन द पूल वुड कैम बैक। तो जब भी कहीं भी ऐसी वाटर वाली जगह पे, चाहे वो टाइटन रिवर हो, बम्पिंग रिवर हो, वहाँ पे नहाना चाह रहे हो या वार्म लेक हो जो कि गोट रॉक्स में लोकेट करती है, वहाँ कहीं भी जाने की कोशिश करते हैं तो वो वापस से उनका पुराना डर आ जाता है। इट वुड टेक पोजिशन ऑफ मी कम्प्लीटली, वो पूरी तरह से इनको जकड़ लेता है। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, और इनके जो लेग्स हैं वो पूरी तरह से पैरालाइज हो चुके हैं। आई सी हॉरर वुड ग्रैप माई हर्ट, और एक डर है जिसने उनके हर्ट में अपनी जगह बना ली है। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी, एक मिनट, दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई, साल बीतते गए लेकिन ये जो हैंडीकैप्ड है, जो ये इनके अंदर डर की जो फीलिंग है जिसने इनको अपाहिज बना दिया है, वो इनके साथ अभी भी है। इन कैनोज ऑन द मेन लेक फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सैल्मन, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ अलग अलग रिवर्स हैं और वहाँ पे जिस फिश की फिशिंग करने के लिए जाते हैं उनके नाम बताए गए हैं। तो पहला है कैनोज ऑन मेन लेक, वहाँ पे लैंडलॉक नाम की मछली है, उसकी फिशिंग के लिए जाते हैं। और आगे देखते हैं, बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर में बास नाम की मछली की फिशिंग के लिए। ट्राउट फिशिंग ऑन द डचेस, डचेस में ट्राउट फिशिंग के लिए। मेटोलियस इन ऑर्गन, मेटोलियस ऑर्गन में फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया, और कोलंबिया में सैल्मन फिशिंग के लिए। एट बम्पिंग लेक इन द कैसिकेट्स, Whenever I went, the haunting fear of the water followed me. जहाँ कहीं भी ये जाते हैं फिशिंग के लिए, वो डर इनके साथ इनका पीछा करता है। It ruined my fishing trip, और इससे इनकी सारी फिशिंग ट्रिप बर्बाद हो जाती है। Deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming. इनका जो भी बोटिंग करने का, स्विमिंग करने का जो भी जॉय है, वो सब पूरा इनसे छूट जाता है। आगे देखते हैं। I used every way I knew to overcome this fear. वो पूरे प्रयास करते हैं इस डर से बाहर निकलने का, जो भी इनको पता है, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। But it held me firmly in its grip.
लेकिन उसने इनको पूरी तरह से अपने जकड़ में पकड़ रखा है। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। फिर उन्होंने फाइनली डिसाइड किया अक्टूबर में कि ये अब एक इंस्ट्रक्टर यानी कि एक ट्रेनर को बुलाएंगे और उससे ये ट्रेनिंग लेंगे स्विमिंग की। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस 5 डेज अ वीक एन आर ईच डे। 1 घंटे हफ्ते में 5 दिन की ये ट्रेनिंग लेते थे। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट राउंड मी। और जो इंस्ट्रक्टर था उसने इनके पेट में एक बेल्ट बांधी हुई थी। अ रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रन ऑन एन ओवर हेड केबल। ऊपर एक रॉड लगी थी, उसमें एक पुली था। पुली एक लीवर होता है, आप सभी को पता होगा, जैसे कि कुओं में पानी भरने के लिए रोप में एक छल्ले में फंसाया जाता है और उससे बाल्टी खींची जाती है, सेम उसी टाइप से इनको भी एक रोप का एक साइड इनके इंस्ट्रक्टर के हाथ में था और दूसरा साइड इनकी वेस्ट में बंधा हुआ था। तो बिल्कुल ऐसे ही उनको वो सिखाने की कोशिश कर रहा था। आगे चलते हैं। He held on to the end of the rope. दूसरा एंड उसने पकड़ रखा था। And we went back and forth. और इस तरह से आगे पीछे आने जाने की कोशिश करते हैं। Back and forth across the pool. पूरे पूल में आर एंड आर घंटों घंटों ऐसी प्रैक्टिस करते हैं। डे आफ्टर डे एक दिन से दूसरे दिन इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं। वीक एंड आफ्टर वीक हफ्तों तक की इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सो यहाँ तक था हमारे चैप्टर का पार्ट 2। अभी पार्ट 3 आपको कल प्रोवाइड हो जाएगा। तो ऐसे ही और वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करते रहें और कमेंट बॉक्स में आपकी कोई भी क्वेरी हो उसे लिखना ना भूलें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।